हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत हुई है और दिन की शुरुआत में ही हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, मतलब फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाना चाहिए। वैसे तो 4 बजे उठ के नहाते हैं और फिर ये जो होता है पाजा, इसको जलाते हैं और कहते हैं कि आज के दिन जो भी देवता होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और इंद्र देवता के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो असुर असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके लिए वहाँ पे वो युद्ध में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जाते हैं और 1 महीने बाद वापस आते हैं। तो इसलिए उनको देवताओं की जाने की खुशी में ये जलाया जाता है, हवन वगैरह किया जाता है सुबह सुबह। लेकिन हमने तो वैसा कुछ भी नहीं किया, हम लोग वैसे भी पहले से ही नहीं करते हैं। मेरे मायके में होता है ऐसा, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, सुबह उठ के बस नहाते हैं। और आज एक खास दिन भी है, वो है वैसे आप सभी को पता ही है कि वो आज खास दिन क्या है, वो है आज देवेंद्र का बर्थडे भी होता है। तो बस बर्थडे के लिए ही हम आज बना रहे हैं सुबह सुबह ही गजरेला। गाजर का हलवा देवेंद्र को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम गाजर का ही हलवा बनाते हैं। अगर हम सूजी या आटे का हलवा बनाते हैं ना, कोई भी नहीं खाता हमारे घर में, मतलब शौक से नहीं खाता, इसलिए हम हमेशा गाजर का ही हलवा बनाते हैं ताकि खा तो ले एटलीस्ट। बस सुबह सुबह उठ के नहा धो गए हैं और फटाफट से हम गाजर का हलवा बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज है देवेंद्र का बर्थडे और हैप्पी बर्थडे। पहला गिफ्ट तो आपको मिला हुआ है ना? क्या मिला है? शर्ट, खुद ही पसंद की है, अब हमने क्या देना, इसीलिए पहन के ही दिखाई है। अब सीधा ही ये गिफ्ट मिला है देवेंद्र को, बर्थडे गिफ्ट। नहा के आओ फटाफट। तो दोस्तों, फाइनली हमारा गजरेला हो चुका है रेडी। देखो, अब हम फटाफट से रेडी होंगे। ये रहा हमारी गजरेला, हो गया है रेडी। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, मंदिर में पूजा करेंगे। मंदिर पंडित जी घर तो आते नहीं है क्योंकि आज होती है मकर संक्रांति और उनको मंदिर में बहुत सारे लोग मिलने जुलने के लिए आते हैं और उनको खिचड़ी वगैरह खाने के लिए बुलाते हैं अपने अपने घर, तो इसलिए वो घर नहीं आ पाते हैं और हम मंदिर में जाके ही हर बार पूजा करवाते हैं। तो इस बार भी हम मंदिर जाएंगे और हम दोनों ही जा रहे हैं, हम स्कूटी पे जाएंगे फटाफट से और फटाफट से आप भी जाएंगे, फिर बाकी की तैयारियां भी करनी है। और चलिए चलते हैं, फिर निकलते हैं और रास्ते में मिलते हैं आपको। ये हमारी मदद कर रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं हमें स्कूटी। तो हम यहाँ से चल पड़े हैं और मिलते हैं आपको मंदिर में पहुँच के, बीच बीच में थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेंगे। तो अभी हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं, ठंड काफी ज्यादा है आज और अभी चलते हैं हम मंदिर। तो हमारी पूजा हो चुकी है समाज के बीच, अभी बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि आज वो अकेले हैं यहाँ पे और बिजी हैं। फटाफट से पूजा हो गई है और थोड़ी सी फ़ोटो खींच लेते हैं हम, फिर चलेंगे मकर संक्रांति पे। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी हम वापस चल पड़े हैं, अब चलते हैं वापस। अभी हम पहुँच गए हैं घर, अब जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है, मंदिर से आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, देवेंद्र को भी कराया, अनुराग को भी और मैंने भी किया, और अब कर लेते हैं कुछ तैयारियां घर पे ही। बनाएंगे आज देवेंद्र की बर्थडे पार्टी के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी बनाएंगे हम घर पे ही बनाएंगे। बस केक ऑर्डर करा है हमने कल का, वो ले आएंगे मार्केट से, बाकी चीज़ें हम घर पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नूडल्स बनाएंगे थोड़े से घर पे, और एक दो पिज़्ज़ा भी बनाएंगे घर पे, बस्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे आज हम घर पे। और अभी फिलहाल के लिए नूडल्स डाल लेते हैं, ये मैंने पानी बॉइल कर लिया, इसमें हम डालेंगे नूडल्स। ये मैंने कर दिए जी नूडल्स तैयार, अब इनको रहने देते हैं, थोड़ा सूखने देंगे इनको और शाम के टाइम बनाएंगे। तब तक हम सब्जियों में कट करेंगे और बाकी की चीज़ें करेंगे और जो भी करनी है हमें। इसी बीच
श्रीमान जी भी आ गए हैं। क्यों आए आप जल्दी? आदमी नहीं आए। आदमी नहीं है मतलब कि फिर क्या है पारा? जानवर भड़ाका नहीं है। अच्छा भीड़ भड़ाका नहीं है, काम धंधा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, काम धंधा नहीं है इसलिए भी आ गए हैं। अब तो हम पकौड़े बनाने लगाएंगे, तो फिर तो पकौड़े बनाएंगे आप, है ना? बना दूंगा। बना देंगे टेस्टी वाले पकौड़े? बना दूंगा जैसे बनेंगे। चलो ठीक है, पकौड़े बना देंगे। मैं बच गई काम करने से आज भी। ये कर लिया है पकौड़े के लिए बैटर तैयार। हमने आलू गोभी प्याज और पालक डाली है इसमें, और थोड़ा सा धनिया भी डाला है। बाकी तो नमक मिर्च मसाले जो भी डालते हैं वो सभी डाले। प्यार किया है, अभी रख देंगे इसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए, ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए मतलब। और फिर बनाएंगे पकौड़े, बनाएंगे नूडल्स, बनाएंगे और बस थोड़ी बहुत मिठाई और केक हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आज के मेनू में हमारे। तो चलिए अभी चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा देख लेते कि बर्थडे मनाना कहाँ है। ज़्यादा कुछ तो मनाना नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, अब ऐसे ही थोड़ा बहुत चलो मना लेते हैं। फ्रेंड शाम हो चुकी है और अभी हमने शुरू कर दिया है अपना खाना खुना बनाने का, खाना नहीं मतलब स्नैक्स वगैरह बनाने का कार्यक्रम। यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े। अनुराग और मनीषा ने सजाया है भी किस तरह से, वाह बहुत ही सुंदर सजाया भाई तुमने तो। अरे 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 जी बहुत सुंदर बना दिया ये तो। मैंने तो बोला था 10-12 के बैलून ला लेना। देखो पूरा लुक मनीषा दीदी और अनुराग ने। आ गया।
बताता भैया, वो तो सही है, तो दिन आते किसी को भी नहीं पता क्या है, हम आज तो पता नहीं था क्या है, ऐसे ही कोई नहीं पता है, ऐसे ही कोई जा रहा है, हां ये तो बना इसको खींच ले, ऐसे ऐसे या तो चेंज हो ना, रेड में पावर देखने वाले आपको फोन करेंगे, हां बना देना, हां नहीं पहले बोल दे, चेंज कर दिया मुझे तो, हां क्यों बोल रहे थे, पहले वो करा लेना, मैं तो बात नहीं दे रहा, तो मैंने तो आई डी आर बोल दिया कि सेम, वो तो आई डी आर गया था, आई डी आर मुझे क्या पता है, ठीक है ठीक है यार, नहीं ठीक है ऐसे पकड़ी वाली तू सही है ठीक है मैं अब नहीं आएगा हां छोटी बच्ची है अभी छोटी बच्ची होगी बिल्कुल जी छोटे बच्चे सब यहां पे पार्टी पार्टी चल रही पार्टी किसको चाहिए कैसे बने पकौड़े अभी खा के चाची ने दिया काम करना है आप सर मास्टर शेफ ने बर्थडे बहुत मजा आया खूब डांस डूस किया वैसे कल के थके हुए भी थे फिर भी आज बहुत मजा आया ना अब कुछ दिनों बाद एक और बर्थडे आने वाला है वो किसका है क्या है वो तो आपको तभी पता चलेगा और उस दिन भी खूब धमाल करेंगे हम मजा आएगा तो बस बने रहिए ब्लॉग में और बाकी सब तो चले गए देवेंद्र गया अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने और हम बस हम लोग रह गए बाकी सब नाच गा के चले गए अपने अपने काम में बिजी हो गए हम रह गए और बस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं होप करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं कल के ब्लॉग में तब तक के लिए बाय 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 बाय